नेताजी सुभाष चंद्र बोस और झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका खादी ग्राम उद्योग आयोग और खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति इनके संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी 75 के तहत रविवार को शहर के 125 चौकों में विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा का सामूहिक गायन किया गया। इसका मुख्य कार्यक्रम शहर के संविधान चौक में किया गया, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और महापौर दयाशंकर तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जिनके बोल कानों में अमृत रस प्रभावित करने के साथ ही साथ मन में राष्ट्रभक्ति की हिलोर उद्वेलित करने लगते हैं, रोम रोम में उत्फुल्लता की सिहरन पैदा होने लगती है। ऐसे ही एक चर्चित गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसे लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, जिसके बाद हरिपुरा के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित लगभग 5000 लोग अपने तिरंगे के सम्मान में श्रद्धा भाव से खड़े होकर विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा संवेद स्वर में गा उठे। इस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस और झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद इनकी 125वीं जयंती है, जिसके चलते नागपुर महानगर पालिका खादी ग्राम उद्योग आयोग और खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति इनके संयुक्त तत्वाधान से आजादी 75 के तहत रविवार को शहर के 125 चौराहों में विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा का सामूहिक गायन किया गया। इसका मुख्य कार्यक्रम शहर के संविधान चौक में किया गया, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और महापौर दयाशंकर तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। श्यामलाल जी पार्षद के 125वीं जयंती निमित्त नागपुर शहर के 125 चौराहों पर झंडा गीत का गायन हो सके, इस दृष्टि से इस आयोजन को किया गया। और ठीक 11 बजे आज 125 चौराहों पर झंडा गीत के गायन का प्रारंभ भी किया गया। इंद्रदेव ने भी अपनी उपस्थिति इस गायन में दर्ज कराई। यहाँ जो संविधान की प्रस्ताविका का निर्माण किया गया है, ये संविधान की प्रस्ताविका के निर्माण के मूल शिल्पकार हमारे महानगर पालिका के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप जाधव जी है, और संदीप जाधव जी की संकल्पना से हमने इसको यहाँ पर साकार किया है। इस अवसर पर बात करते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि झंडा गीत का पुनस्मरण हमारी युवा पीढ़ी को उनके बारे में बताता है। युवा पीढ़ी को श्यामलाल गुप्त पार्षद के बारे में पता चलना चाहिए, वे सच में पद्म भूषण हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने नागपुर महानगर पालिका की सराहना की, साथ ही इस दौरान उन्होंने संदीप जाधव की भी तारीफ की। नागपुर शहर 125 चौकांमध्ये आपण झेंडा गीताचं गायन केलं आणि या ठिकाणी माननीय नितीनजींच्या उपस्थितीत संविधान चौकामध्ये झेंडा गीताचं गायन आपण सर्वांनी केलं आणि खरोखर मी महानगरपालिकेचे आणि महापौरजींचे आभार मानतो की नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि त्यासोबत ज्यांनी या देशाला झेंडा गीत दिलं ते आदरणीय श्यामलाल गुप्ता पार्षद जयंतीच्या निमित्ताने या झेंडा गीताचं पुनर्स्मरण आमच्या सर्व मुलांना झालं पाहिजे आणि त्यासोबत श्यामलाल गुप्ता पार्षद जे खऱ्या अर्थानं पद्मश्री होते आणि आपल्या नागपूरचं भूषण ज्यांनी हे झेंडा गीत दिल्यानंतर आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढाईच्या काळामध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वामध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये झेंडा गीत गायलं गेलं आणि त्याच्यानंतर हे झेंडा गीत अजरामर झालं, अशा प्रकारचे आदरणीय श्यामलालजी यांच्याबद्दल आमच्या नवीन पिढीला माहिती व्हावी आणि त्याचप्रमाणे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा या अजरामर ओळी पुन्हा एकदा सर्वांच्या ओठी याव्या, याकरता अतिशय चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर महानगर पालिका की सराहना की। साथ ही संदीप जाधव की भी तारीफ करते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में ये शिला बनाई गई। एक तो पहला यह है कि यहाँ भारतीय संविधान का एक शिलालेख बहुत सुंदर तरीके से लाइट के अरेंजमेंट के साथ इसका विमोचन हुआ। आपको पता है कि इस चौक का नाम संविधान चौक है और यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भव्य पुतला, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। विशेष रूप से शासन में काम करने वाले कुछ सरकारी अधिकारियों ने, जिसमें ईजेड खोबरागढ़े जी थे, उनके साथीदार थे, उन्होंने मुझे मिलकर ये मांग की थी कि हमारे यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से ये जो चौक है इसका संविधान चौक करके नामकरण होना चाहिए और एक संविधान के बारे में एक दस्तावेज शिलालेख यहाँ होना चाहिए। बता दें कि कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। कार्यक्रम में खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन को सभी दलों का समर्थन प्राप्त है और इसे विभिन्न दलों द्वारा भी गाया गया।